कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो कैनिची को देखते हैं जो एक बुक पढ़ता हुआ स्कूल जा रहा था। पर तभी वह देखता है वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, इसलिए कैनिची अपनी बुक रखकर स्कूल के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी कैनिची किसी लड़की से टकराता है और नीचे भी गिर जाता है। वो लड़की भी स्कूल के लिए लेट हो रही थी, इसलिए एक रिवर के ऊपर से शॉर्टकट लेती है, लेकिन कैनिची उस रिवर को पार नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैनिची स्कूल के लिए लेट हो चुका है और क्लास के बाहर खड़ा है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और कैनिची की क्लास में ज्वाइन होती है और अपना नाम मियो बताती है, जिसके बाद वो भी कैनिची के साथ बाहर खड़ी हो जाती है क्योंकि क्लास के लिए वो भी लेट थी। जल्दी कैनिची और मियो दोस्त बन जाते हैं। फिर कैनिची अपने कराटे क्लब के लिए भागता हुआ जा रहा था, लेकिन वो क्लब के लिए भी लेट था। लेकिन रास्ते में एक लड़का निजुमा मिलता है जो कि कैनिची की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि कैनिची चाहे कराटे क्लब ही क्यों ना ज्वाइन कर ले, वो ठीक ही रहेगा। फिर हम कराटे क्लब का सीन देखते हैं जहाँ निजुमा सही ही लग रहा था क्योंकि कैनिची को डायमांजी नाम का बंदा बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। सभी के जाने के बाद कैनिची अकेले प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी डायमांजी वहाँ आ जाता है और कैनिची को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और जो भी हारेगा उसे क्लब छोड़ना पड़ेगा। कैनिची घर जाते हुए मियो को देखता है जो कि कुछ गुंडों से एक ओल्ड मैन को बचाने की कोशिश कर रही थी। कैनिची को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो वहाँ चुपचाप जाता है। लेकिन फिर वो उनकी मदद करने का डिसाइड करता है और गुंडों की तरफ भागने लगता है, लेकिन कैनिची का पैर फिसलता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर कैनिची अपने हाथ उल्टे सीधे चलाने लगता है, जिसकी वजह से कैनिची का मुक्का एक गुंडे को लग जाता है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और नाइफ निकाल लेता है। लेकिन मियो सभी गुंडों को बहुत आसानी से हरा देती है। फिर मियो कैनिची को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए डोजो ज्वाइन करने की सलाह देती है, जिसके बाद कैनिची डोजो में पहुंच जाता है, जहां कैनिची कई सारे मार्शल आर्ट मास्टर्स से मिलता है जिन्हें देखकर कैनिची बहुत डर जाता है। फिर मियो उसे वहां छोड़कर चली जाती है और फिर कैनिची उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उनकी फीस भी देता है। फिर कैनिची बताता है कि उसकी फाइट कराटे स्टूडेंट के साथ होने वाली है, इसलिए कैनिची की ट्रेनिंग तुरंत शुरू कर दी जाती है। पर कैनिची को डेली बहुत मुश्किल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि मियो उन कराटे स्टूडेंट्स के पास से जा रही होती है, तभी वह सुनती है कि वो कैनिची को बहुत बुरी तरह से मैच में पिटने का प्लान बना रहे हैं, जिसके बाद मियो भी कैनिची को कुछ फाइटिंग टेक्निक सिखाने लगती है, जिससे कैनिची अपने से बड़े ओपोनेंट से आसानी से फाइट कर सके। हालांकि कैनिची को ये सब ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मियो के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। नेक्स्ट डे कैनिची स्कूल जाता हुआ भी उन्हीं ट्रेनिंग स्टेप्स को फॉलो कर रहा था। फिर डोजो में ट्रेनिंग करते हुए एक हफ्ता बीत जाता है और अब डायमांजी से फाइट करने का टाइम आ गया था। हम देखते हैं कि कैनिची डायमांजी से बहुत बुरी तरह से पिट रहा था और फर्स्ट राउंड में डायमांजी कैनिची को एक ही मुक्के में मैच रिंग से बाहर कर देता है। लेकिन फिर मियो ने जैसा सिखाया था उसी तरह से कैनिची मूव करने लगता है और डायमांजी के सभी अटैक से भी बचने में कामयाब हो जाता है और वो एक मुक्का भी मार देता है। लेकिन कैनिची इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से डायमांजी को एक मुक्के से कुछ नहीं होता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैनिची डायमांजी के सभी अटैक डोज कर पा रहा था और डायमांजी को गिरा भी देता है। लेकिन फिर कैनिची अपनी हार मानकर क्लब छोड़ देता है क्योंकि उसने डायमांजी पर किसी और टेक्निक का इस्तेमाल किया था। कैनिची जा रहा था तभी निजुमा उसके सामने आता है और उसे बताता है कि अब उसने डायमांजी को हरा दिया है तो दूसरे फाइटर भी उससे फाइट करने जरूर आएंगे। नेक्स्ट डे मियो कैनिची से बातें कर रही थी तभी निजुमा वहां आ जाता है और बताता है कि सुकुबा नाम का फाइटर कैनिची से फाइट करना चाहता है और कैनिची की एबिलिटी देखना चाहता है। फिर निजुमा मियो को कराटे क्लब में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताता है, लेकिन मियो को पता था कि अगर कैनिची अभी सुकुबा से फाइट करेगा तो बहुत बुरी तरह से पिटेगा क्योंकि सुकुबा एक ब्लैक बेल्ट फाइटर है। फिर हम डोजो का सीन देखते हैं जहाँ जुजुत्सु टीचर और निंजा टीचर कैनिची को ट्रेन करते हैं। बहुत मुश्किल ट्रेनिंग के साथ कैनिची का दिन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे कैनिची स्कूल खत्म होने के बाद सुकुबा से बचता हुआ घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुकुबा उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत पीटता भी है। सुकुबा निराश हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि कैनिची एक अच्छा फाइटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए फिर वो वहां से जाने लगता है। पर तभी कैनिची उसका पैर पकड़ता है, जिससे सुकुबा के पैर पर निशान आ जाता है, जिससे सुकुबा हैरान भी होता है। दोजो में मियो कैनिची के पास आती है और देखती है कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है, पर कैनिची कहता है कि वो गिर गया था, ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कैनिची के मास्टर आते हैं और वो उन्हें बताता है कि वह सुकुबा को दिखाना चाहता है कि वो क्या कुछ कर सकता है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आई पर वो कुछ नहीं कर पाया। फिर कैनिची कहता है कि उसे स्ट्रांग बनना है। ये सब सुनकर मास्टर को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उन्होंने भी अपने मास्टर से कुछ ऐसी ही बातें कही थी। फिर वो कैनिची को स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग देने लगते हैं और कैनिची को भी मुश्किल ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि कैनिची को एक मूर्ति देते हैं जिसे उसे उठाकर गिराना था और साथ ही दूसरे मास्टर भी कैनिची को फाइटिंग टेक्निक भी सिखाते हैं। हर दिन कैनिची पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। फिर एक दिन एक मास्टर उसके पास आते हैं, वो उसे पूछते हैं कि क्या उसे मूर्ति में कुछ अलग नहीं लग रहा। पर मास्टर उसे एक रूम दिखाते हैं जहाँ बहुत सारी और बहुत बड़ी मूर्तियाँ रखी थी। यह देखकर कैनिची समझ जाता है कि उसके मास्टर रोज उसकी मूर्ति बदल देते हैं और पहले से ज़्यादा बड़ी रख देते हैं, जिससे कैनिची और ज़्यादा स्ट्रांग बन सके। फिर हम सुकुबा को देखते हैं जो किसी लड़की से बातें कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि वह लड़की किसी ग्रुप की हेड है। इस ग्रुप में स्ट्रांग
फाइटर्स को चेक किया जाता है और चेक से उनका मतलब फाइटर को बहुत बुरी तरह से मारना है। फिर हम देखते हैं कि सुकुबा किसी लड़के को मार रहा था, तभी वहाँ मियो आ जाती है और उसे रुकने को कहती है। साथ ही वहाँ कैनेची भी आ जाता है जो सुकुबा से बिना डरे फाइट करने के लिए तैयार था। फिर कैनेची पहला अटैक करता है और वो अपनी मास्टर की टेक्निक की मदद से पहले मुक्का मारने में कामयाब भी हो जाता है। फिर सुकुबा कैनेची को किक करने की कोशिश करता है लेकिन कैनेची उसे उठाकर पटक देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके मास्टर ने उसे सिखाया था, जिससे सुकुबा हार जाता है और कैनेची जीत जाता है। कुछ देर के बाद कैनेची देखता है कि सभी स्टूडेंट्स उससे दूर भाग रहे हैं, जिसके बाद वह देखता है कि निजीमा जो कि न्यूज़ क्लब का मेंबर है वो सभी को कैनेची के बारे में न्यूज़ दे रहा है कि कैसे उसने सुकुबा को एक बार में हरा दिया। फिर कैनेची निजीमा को रोकता है, फिर निजीमा उसे बताता है कि क्रिमिनल मार्शल आर्ट गैंग रैग्नारॉक कैनेची का तलाश कर रही है। वो लोग कैनेची को स्कूल में ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। फिर कैनेची बैठा होता है, तभी निजीमा रैग्नारॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लाया था लेकिन कैनेची वहाँ से भाग जाता है और उसकी कुछ नहीं सुनता। फिर कैनेची दोजो में जाकर ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग के बाद कैनेची अपने सभी मास्टर से पूछता है कि क्या उन्हें कैनेची के अंदर कुछ अलग दिखा, लेकिन सभी साफ मना कर देते हैं। फिर सभी मास्टर कैनेची को इतना डीमोटिवेट देखकर कैनेची को मियो के साथ डेट पर जाने की कहते हैं। यह सुनकर कैनेची खुशी से पागल हो जाता है। मियो भी काफ़ी खुश थी मूवी देखने के लिए क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी के साथ जाकर मूवी नहीं देखी। लेकिन कैनेची की डेट पर पूरे टाइम निजीमा उसके पीछे आता रहता है क्योंकि वो उसे गैंग के बारे में बताना चाहता था, जिसकी वजह से कैनेची का पूरा टाइम निजीमा से भागते हुए निकल जाता है। कुछ देर में कैनेची और मियो देखते हैं रैग्नारॉक गैंग के लोगों ने निजीमा को पकड़ लिया है और पीट कर कैनेची के बारे में पूछ रहे हैं। कैनेची वहाँ से जाने लगता है लेकिन मियो उसे रोकती है और कहती है कि उन लोगों को कोई पसंद नहीं करता जो अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर भाग जाए। ये बात सुनकर कैनेची उनसे फाइट करने पहुंच जाता है और उनमें एक को अपनी टेक्निक की मदद से हरा देता है और मियो भी गुंडों को हरा देती है। दोजो में कैनेची को पता चलता है कि उसके मास्टर्स ने ही वहाँ रैग्नारॉक के गुंडों को भेजा था देखने के लिए कि कैनेची कितना स्ट्रांग हो चुका है। फिर वो बताते हैं कि रैग्नारॉक गैंग से एक स्ट्रांग बॉक्सर का फाइट के लिए चैलेंज आया है। पर हम देखते हैं कि उससे फाइट करने के लिए कैनेची ट्रेनिंग में लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पर कैनेची डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन दोजो में ही रहेगा और अपने पेरेंट्स को भी इसके लिए मना लेता है। फिर कैनेची दोजो में शिफ्ट हो जाता है और उसके मास्टर उसे एक ट्रेनिंग मशीन देते हैं जिससे उसकी बॉडी पावर बढ़ेगी। हम देखते हैं कि कैनेची की छोटी सिस्टर उसे दूर से इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करते हुए देख रही थी, लेकिन वो कैसे कैनेची को ज़्यादा देर देख नहीं पाती और दोजो में आ जाती है और कैनेची को चलने को कहने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कैनेची इस ट्रेनिंग से बहुत परेशान होगा, लेकिन कैनेची जाने से मना कर देता है। फिर हम डिनर का सीन देखते हैं जहाँ कैनेची अपना खाना सभी से छुपा रहा था क्योंकि उसे पता था कि कैसे दोजो में और लोग दूसरों को खाना खा लेते हैं, लेकिन मास्टर बताते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही कैनेची अपने खाने को नीचे रखता है सभी मास्टर उसका खाना खाने लगते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि मियो कैनेची के लिए फूड लाती है और वो दोनों छत पर बैठकर फूड खाते हैं। मियो कैनेची के साथ हमेशा दोस्त रहने का विश करती है। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में मास्टर कैनेची को एक पंच से दीवार तोड़कर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये होता है रियल पंच। फिर हम देखते हैं कि कैनेची मियो के साथ बाहर होता है और तभी उन दोनों को कुछ रैग्नारॉक गैंग के बंदे घेर लेते हैं। फिर वो दोनों उनसे फाइट करने का डिसाइड करते हैं जबकि वो गुंडे उनसे बहुत ज्यादा थे, लेकिन तभी वहाँ कैनेची के मास्टर आ जाते हैं और सिर्फ कैनेची की फाइटिंग फॉर्म ठीक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी देखकर सभी हैरान थे लेकिन फिर वो सभी उनके ऊपर अटैक करते हैं। कैनेची पिटता है लेकिन उनके हेड के एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है जिससे वो हेड गिर जाता है और मियो बाकी सभी गुंडों को हरा देती है। फिर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और उसकी ग्रुप की लीडर अब तो कैनेची से और ज़्यादा मिलना चाहती थी। स्कूल में कैनेची अपने गार्डनर क्लब में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके सभी पौधे टूट चुके हैं जिसे डायमांजी और उसके दोस्तों ने तोड़ा था। डायमांजी अपना बदला लेने आया था और वो कैनेची पर अटैक करता है लेकिन कैनेची उसका अटैक आसानी से डोज कर देता है और सिर्फ एक ही पंच में उसे हरा भी देता है। अभी देखकर डायमांजी के दोस्त वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि रैग्नारॉक गैंग के कुछ लोग कैनेची से फाइट करने के लिए फिर से आ गए थे और इस बार भी मियो दूसरे गुंडों से फाइट कर रही थी और बॉस की जिम्मेदारी कैनेची पर थी। वो कैनेची पर अटैक करता है लेकिन कैनेची उसे आसानी से पीछे कर देता है। अब वो समझ जाता है कि कैनेची से नहीं जीत सकता, इसीलिए एक नाइफ निकाल लेता है और कैनेची पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। कैनेची नाइफ लेकर डर जाता है लेकिन इतने में मियो वहां जाती है और कैनेची की बेल्ट की मदद से उसका नाइफ गिरा देती है, जिसके बाद वो उसे हरा देते हैं। अब कैनेची काफ़ी निराश था कि मियो की उसकी मदद के लिए आना पड़ा, साथ ही तभी कैनेची की पैंट भी उतर जाती है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। फिर हम दोजो का सीन देखते हैं जहाँ कैनेची अभी निराश था, फिर निंजा मास्टर उसे सिखाने का डिसाइड करती है कि किसी वेपन वाले इंसान के साथ कैसे फाइट की जाए। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि कैनेची स्वॉर्ड ट्रेनिंग में बहुत अच्छा होता जा रहा था। फिर कैनेची के दूसरे मास्टर उसे सिखाते हैं कि कुछ मसल्स इंसान की बॉडी में बहुत पार देती है और कुछ ज़्यादा पार नहीं देती। इस वजह से कैनेची किसी ऐसे को भी बहुत आसानी से हरा सकता है जो कैनेची से ज़्यादा साइज में बड़ा हो। उसी रात कैनेची घर जा रहा था तभी वो नाइफ वाला बंदा फिर से आ जाता है, लेकिन इस बार कैनेची सीख चुका था कि उसे कैसे फाइट करनी चाहिए, इसलिए वह आसानी से किक मारकर उसका नाइफ गिरा देता है और एक पंच में ही उसे बेहोश भी कर देता है। हम देखते हैं कि मियो कैनेची को फाइट करते हुए देख रही थी और उसकी प्रोग्रेस देखकर काफ़ी खुश भी थी।
नेक्स्ट डे स्कूल में निजीमा केंजी को बताता है कि उसकी छुपने की जगह रैग्नारोक गैंग को पता चल गई है। फिर केंजी वहां से भागने लगता है, तभी निजीमा उसे बताता है कि केंजी को फाइट तकेडा से होगी जो कि पहले एक बॉक्सर रह चुका है। केंजी भागकर दोजो जाता है जहां वो देखता है कि उसके मास्टर रॉक पेपर एंड सीजर खेल रहे हैं तय करने के लिए कि उसे कौन नेक्स्ट ट्रेन करेगा। फिर बॉक्सिंग मास्टर गेम जीत जाते हैं और केंजी को ट्रेन करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद केंजी को काफी ज्यादा ट्रेन किया जाता है और इससे बहुत सारी चोटें भी आती हैं क्योंकि वो मास्टर होल्ड बैक करना नहीं जानती है और केंजी पर अपनी पूरी पार के साथ भी अटैक कर देते हैं। स्कूल में निजीमा केंजी और मियो को टकेडा के बारे में कई सारे बातें बताता है। तभी हम देखते हैं कि युकिता केंजी की क्लास में आ जाता है और उसके दो स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बनाकर ले जाता है, जिससे केंजी उसके पास फाइट करने के लिए आए। वो दोनों केंजी को बोली किया करते थे, फिर भी केंजी उन्हें बचाने के लिए वहां जाता है और युकिता से फाइट करता है और आसानी से उसे हरा देता है। तभी वहाँ टकेदा भी आ जाते हैं और केंजी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि केंजी जो मर्जी वो मूव यूज़ कर सकता है। दोनों के बीच का मैच शुरू होता है और केंजी टकेदा को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन टकेदा बहुत ज़्यादा फास्ट था जबकि वह सिर्फ अपने राइट हैंड से फाइट कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से पिटे के बाद केंजी याद करता है कि एक बॉक्सर का वीक पॉइंट कौन सा होता है। केंजी को अपने मास्टर की सिखाई बातें याद आती हैं कि बॉक्सर का वीक पॉइंट उसके लेग्स होते हैं। केंजी टकेदा के लेग्स पर मारता है, जिससे अक्सर भी होता है, और टकेदा थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसके बाद केंजी काफ़ी अच्छे से फाइट करता है। लेकिन तभी फर्स्ट राउंड ओवर हो जाता है, दोनों रेस्ट कर रहे थे। तभी केंजी टकेदा से पूछता है कि उसने बॉक्सिंग क्यों छोड़ दी जबकि वो इतना अच्छा बॉक्सर था। टकेदा बताता है कि जब वो एक बॉक्सर था तो एक दिन उसके दोस्त को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था, तो टकेदा उनकी मदद करने गया, लेकिन फाइट के दौरान टकेदा का हाथ टूट गया जिसकी वजह से उसे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। लेकिन टकेदा का दोस्त बॉक्सिंग करता रहा और एक प्रो बॉक्सर भी बन गया। फिर वो दोनों वापस फाइट करते हैं और अब केंजी टकेदा के सभी अटैक ब्लॉक कर पा रहा था और एक फ्लाइंग किक भी मारता है, जिससे टकेदा छत से गिरने वाला था, लेकिन केंजी टकेदा को पकड़ लेता है। पर केंजी इतना स्ट्रांग नहीं था कि उसको ऊपर उठा सके। तभी युकिडा होश में आ जाता है और दोनों को ऊपर खींच लेता है। मियो ने उन्हें फाइट करता हुआ देखा था, इसलिए भागते हुए वहां जाती है और देखती है कि केंजी बेहोश पड़ा है। ये देखकर मियो उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मार, जिसके बाद हम देखते हैं कि युकिडा टकेदा और केंजी मियो के साथ दोजो पहुंच जाते हैं, जहां मास्टर उनकी सभी चोटें ठीक कर देते हैं। साथ ही टकेदा पुरानी चोट भी बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से टकेदा का बॉक्सिंग करियर खत्म हुआ था। अब वो देखकर टकेदा बहुत खुश होता है और अपनी करियर को फिर से शुरू करने की डिसाइड करता है। साथ ही वो केंजी की भी अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।